हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज धनतेरस है और मैं सबको हैप्पी धनतेरस बोलना चाहता हूँ। और आज अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सही टिप्पे कौन से डाले जाए। एक बॉलर अगर खेल रहा है और अच्छी बॉलिंग करना चाहता है तो अच्छी बॉलिंग वो नहीं होती जो बहुत तेज़ बॉलिंग डाली जाए। अच्छी बॉलिंग वो होती है जो टिप्पे सही हो। आप हिस्ट्री अगर उठा के देखोगे तो स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा विकेट लिए हैं इन कंपैरिजन टू फास्ट बॉलर्स। तो फास्ट बॉलर की जो लाइफ होती है वो स्पिनर के मुकाबले थोड़ी कम होती है, क्योंकि फिटनेस प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है, लेकिन स्पिनर एक ज़्यादा लंबे तक चलता है। तो कहने का मतलब यही है कि जितने अगर आपके चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, लेकिन आपके जो टिप्पे हैं वो एकदम सही होने चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी इंडिया की स्पिन और दूसरे देशों की स्पिन में क्या फ़र्क है। जहाँ पर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और फास्ट बॉलर बहुत ही इफ़ेक्टिव है, वहाँ पर हमारे बॉलर्स इतने इफ़ेक्टिव नहीं हो पाए। यही कारण है कि हमको विकेट्स नहीं मिले ज़्यादा। तो आपको सटीक लाइन लेंथ रखनी पड़ेगी अगर आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो या कोई भी मैच खेल रहे हो। आपकी बॉलिंग में धार होनी चाहिए। अगर आपकी बॉलिंग में धार है तो आप कैसे भी टीम को रोक सकते हो, लेकिन अगर आपकी बॉलिंग में धार नहीं है तो फिर पिटना तय है। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बॉलिंग हैं जो आपको ध्यान रखना है कि सटीक टिप्पे आप डालोगे तो आपके रन्स कम आएंगे। आइए देखते हैं बच्चों, जितने भी आप टिप्पे डाल रहे हो तो जितने भी आप टिप्पे डालो अगर आप दूर डालोगे तब तो कोई भी बैट्समैन उसको आराम से मारेगा। वो आराम से उसको विड्थ मिल जाता है। तो जब वो विड्थ मिलता है तो वो बहुत ही पावरफुल शॉट मारेगा। अब उसको आप लेग में डाल दोगे तो वो लेग में भी मार देगा। अब अगर आपने दो बॉलें सबसे ख़राब होती है, या तो आप बहुत छोटी डालो तो आराम से पोजीशन बना के उसके बाद में शॉट मारेगा, लेकिन अगर आपने लंबी डाली तो लंबी भी ओवर पिच बहुत ख़राब है तो वो सीधा उसको स्ट्रेट उठा देगा। तो यानी कि दो बॉलें तो आपको कोशिश करनी है नहीं डालनी है। अब आपको डालनी कौन सी है, तो आपको डालनी है गुड लेंथ के पास में जो विकेट के नज़दीक आए, यानी कि जो उसके बैट्समैन के नज़दीक आएगी बॉल, दूर नहीं जाएगी नज़दीक आएगी। या तो आप वाइड यॉर्कर रखो, वो निकल जानी चाहिए और इस गति होनी चाहिए। लेकिन अगर आप स्पिन कर रहे हो या फास्ट कर रहे हो तो कोशिश करो कि टिप्पे आपके विकेट टू विकेट रखो। जितनी ऑफ स्टिक आप देखो, बस ऑफ स्टंप कहाँ है आपका, ऑफ स्टंप पे बॉल डालते रहो और आपके बॉल टिप्पा खाती ही उसके बैट्समैन के पास आनी चाहिए, तब तो वो आपके सही टिप्पे हैं। अगर वो थोड़ा सा लेग में जाएगा या थोड़ा सा ऑफ में आएगा तो समझ लो आपका पिटना तय है। जितनी ऑफ में आप डालोगे तो उसको विड्थ मिलेगी। यानी आपने देखा होगा कि जितने भी अपने बॉलर्स ने बॉल डाली इस बार वर्ल्ड कप में, वो थोड़ी ऑफ बीट थी, या तो बाहर ज़्यादा थी या थोड़ी सी लेग साइड में ज़्यादा थी या शॉर्ट बॉल थी, इसलिए आराम से शॉट्स बैट्समैन उन्हें मारे। और यही अगर आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखो तो उन्होंने 130 रन के अंदर भी पाकिस्तान को डिफेंड करने की कोशिश की और रोकने की कोशिश की, यानी कि उनकी बॉलिंग में धार थी। तो अगर अपनी बॉलिंग में आपको अच्छे टिप्पे रखने हैं तो कोशिश करो बॉडी लाइन आसपास रखो, ना लेग में हो ना ऑफ में हो ज़्यादा। जितनी जहाँ पर हम बैट पकड़ते हैं इसके नज़दीक नज़दीक बॉलें अगर आप रखोगे तो आप और बॉलिंग टिप्पा खाते ही वो अंदर आनी चाहिए। जितनी अंदर आएगी उतनी घातक होगी और बैट्समैन को खेलने में दिक्कत आएगी। तो ये बच्चों कुछ टिप्स थे अच्छे टिप्पे के। यानी आप दिमाग में एक सेट कर लो कि अच्छी बॉलिंग वो नहीं जो फास्ट बॉलिंग हो, बहुत तेज़ बॉलिंग हो। अच्छी बॉलिंग उसे कहते हैं जो दिमाग से फेंकी जाए और सही टिप्पे पे डाली जाए, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखना, ये आपके बहुत ही काम आएगी। हम मिलेंगे फिर ऐसी टिप के साथ, लेकिन उससे पहले एक टिप और, कभी भी याद रखो बॉल फेंकने से पहले सोचना, फेंकने के बाद मत सोचना। अगर फेंकने से पहले सोचोगे तो हमेशा सही स्पॉट पे बॉल फेंकोगे। तो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन बाय बाय। ये है देसी क्रिकेट, देसी स्टाइल। नमस्ते।